दस स्कूल है तो प्रेस को कोई चांस नहीं है। 10 मिनट से लॉक के 10 मिनट पर मां पार्टी से कंप्लीट तो होने का कल्याण के लिए ट्रैवल हॉस्पिटल से लाभ करने में हॉस्पिटल का भी आना चाहिए मैडम की भाई है भाई हमारे सुपर बॉस हैं हम खाते हैं आसपास के बच्चे पढ़ते हैं। अरे बहुत गड्ढा था भैया ये तो बाहर से मिलती या आकर के समझ तो कुछ होगा। मैं एक ही बात पे तो खुश हूँ सीएम साहब आए या ना आए पर काम तो मेरे यहाँ हो गया। और क्या हम खुद करवाए अगर उनके आने की तो ये मजदूर लगा के केवल साफ करवा रहे हो या जो है सफाई कर्मचारी आप कहाँ के सफाई कर्मचारी हैं? हम लोग साहब बालापुर न्याय पंचायत के हम कुछ एक दो रोज के लिए लगावा गए। के लगावा है आपका? ब्लॉक से लगा हम ब्लॉक ब्लॉक से लगा होगा है। क्या नाम है भैया आपका? रमेश धर लगा है। हाँ। वो रोज लगता है या आज लगा है? क्या कल से लगना शुरू हुआ है झाड़ू। इससे पहले यहाँ सफाई कर्मी ही नहीं 2 साल से। कौन सा गांव है आपका? भंगा कला में 2 साल से सफाई कर्मी नहीं। और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आपके गाँव में क्या क्या किया गया है? ये पोल लगा हुआ है, ये नया अभी कल पोल लगा है। अभी कोई अधिकारी कोई कर्मचारी इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इससे पहले और क्या क्या काम किया गया आपके गांव में? अब जैसे कि स्कूल का साफ सफाई हुआ है। इससे पहले स्कूल की स्थिति क्या थी? अब कोई जब आता ही नहीं था देखने भैया तो स्थिति कैसी रही होगी आप लोग खुद जान जाइए। नहीं इससे पहले झाड़ू कब लगा गाँव में है? इससे पहले भी झाड़ू लागत रहा कि आज ही लागत है? कब कब लागा है यहाँ तो हम रहे थे समझ लेते हैं। तू कौन है गांव को? हम उधर देहरा से। सफाई कर्मचारी हो? नहीं लेबर में। अच्छा आप लेबर हो? मैं इस समय कन्या प्राथमिक विद्यालय पिपराहवा में खड़ा हूँ। ये विद्यालय पिछले एक हफ्ते से बन रहा है। कारण ये है कि इसका रंग रोगन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सूबे के मुखिया आने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सूबे के मुखिया या सूबे के बड़े अधिकारी हर बार जिले के ऐसे ही गाँवों का या क्षेत्रों का दौरा करते रहें तो क्या तस्वीर बदल सकती है? मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, इनसे ही जानते हैं कि ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अरे यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? हमें यहाँ 4-5 दिन हो गए। अच्छा क्या काम कर रहे हैं आप? हम कार्टून वगैरह बना रहे हैं। अच्छा इससे पहले आपने कितने स्कूलों में कार्टून वगैरह बनाए? अभी इससे पहले जो है वो देवी पाटन वाले जब आने वाले थे योगी जी वहाँ भी बनाया था। और फिर यहाँ पे बनाया। ऐसे आपने इससे पहले जब कोई आता है अधिकारी उससे कभी बनाते हैं और उससे पहले भी काम मिलता है? नहीं उससे पहले भी मिलता रहता है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं मतलब जहाँ का स्कूल जो है जैसे बंद हो गया या गंदा हो गया उसकी साफ सफाई होती है रंगाई पुताई होती है। आपके गांव में योगी जी आने वाले हैं तो आपके गांव का जो है थोड़ा सा इनोवेशन किया जा रहा है री इनोवेशन किया जा रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? इससे पहले आपके गांव में इतना काम हुआ कभी? नहीं कभी नहीं हुआ जबकि मेरा जन्म
तो आपके गांव में ऐसा पहले कभी काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि अधिकारियों और बड़े नेताओं के आने से अगर तस्वीर सुधर सकती है तो इस पर आप क्या? ऐसे दौड़ा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जब 6 महीने 8 महीने 4 महीने करते रहेंगे तो शायद एरिए का सुधार ऐसा ही होता है, वैसे तो ये कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले अधिकारी कुछ नहीं करते हैं। इस स्कूल पर खाली एक चूना ही लगा था 8 बरस साल में गंगा जातली ने एक चूना 8 साल से केवल चूना लगा हुआ था। आवाज एक हफ्ते से 5वां कलर चल रहा है। मतलब अगर अधिकारी आ रहे हैं तो विकास हो रहा है जी, अधिकारियों के दबाव से। तो क्या नाम है आपका? सुमन वर्मा। आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, मैं दुकान करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक की। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आपके गांव का रिनोवेशन किया जा रहा है जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे भविष्य में कि ऐसे योगी जी, मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी, साल में एक बार ऐसे अगर आया करें तो यहाँ का माहौल सही रहेगा, गांव का विकास होता है, गांव का विकास होता है। इसके जैसे ये आपका स्कूल बनाया गया है और इसके अलावा क्या क्या चीजें आपके यहाँ रीनोवेट की जा रही हैं? जैसे ये है स्कूल है, सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, गाँव की साफ सफाई है, ये सब। मतलब गाँव फिर से चमकाया जा रहा है जी। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ कहना है कि अगर अधिकारी और नेता ऐसे ही आते रहें गांवों की तरफ भी तो इन गांवों का भी विकास हो सकता है, जो विकास से पूरी तरह से कटे हुए हैं। लोगों का साफ तौर से ये भी कहना है कि अगर अधिकारी और नेता नहीं आते हैं तो गांवों को विकास से पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारी और नेताओं का आगमन ही सबसे बड़ा काम है? इससे पहले जिले में तैनात उन अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद क्यों नहीं खुलती? बलरामपुर से मैं योगेंद्र पाठी, ईटीवी भारत के लिए।